जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोबानी में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज की वीडियो बहुत खास है, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। आज की हमारी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित अट्रैक्ट करने का एक अनोखा तरीका, जो कि लाल किताब के अनुसार बताया गया है। आकर्षित करने के लिए बहुत से टोटके, बहुत से उपाय बताए गए हैं वास्तु शास्त्र में और हर एक टोटका बहुत ही प्रभावशाली है। फर्क इतना होता है कि आपकी कुंडली में क्या स्थिति चल रही है, उस अनुसार कई टोटके, कई उपाय आपको जल्दी असर दिखाएंगे, कई उपाय आपको थोड़ी देर सब्र के बाद नजर आएंगे, लेकिन असर हर एक उपाय का जरूर होता है। आज का जो हमारा उपाय है, जो लाल किताब के अनुसार है, वो बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत लोगों के द्वारा आजमाया गया है। ये जो उपाय है, ये आपके शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ है। शुक्र ग्रह ही केवल ऐसा ग्रह है जो सौंदर्य, आकर्षण, लग्जरी लाइफ हमें प्रोवाइड करता है। शुक्र ग्रह के देवताओं में माँ लक्ष्मी का नाम है, काम देवता का नाम है, तो इन ईश्वर को, इनकी जाप करते रहे, माँ लक्ष्मी का नाम लेते रहें, माँ लक्ष्मी की जितनी प्रार्थना करेंगे, जितना उनका नाम लेंगे, आपका शुक्र ग्रह ऑटोमेटिकली तेज होना शुरू हो जाएगा। शुक्र ग्रह को तेज करने के लिए और भी बहुत सी चीजें आपको बताई गई हैं, उसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। उसमें आपका जब एक बार ये ग्रह तेज हो जाएगा, आपका आकर्षण बढ़ेगा, सुंदरता बढ़ेगी, लग्जरी लाइफ आपको मिलेगी। आज के खास उपाय में हम बताएंगे कि अपनी और किसी दूसरे को आकर्षित करने के लिए आपने क्या आजमाना है, क्या उपाय आजमाना है। इसके लिए आपने हर एक शुक्रवार, जो भी शुक्रवार आएगा, उस समय स्नान करने के बाद, हमेशा कोई भी शुक्र का मंत्र बोले या उपाय करे, स्नान करने के बाद, साफ सुथरे कपड़े पहनने के बाद करें, क्योंकि शुक्र ग्रह उसी व्यक्ति का तेज होता है जो साफ सुथरा बनकर रहता है, और इसके उपाय भी हमेशा स्नान करने के बाद ही किए जाते हैं। तो इसमें आपने हर शुक्रवार के दिन स्नान करने के बाद, एक साफ सुथरे वस्त्र पहनने के बाद, एक जगह पर बैठकर आपने 11 बार ये मंत्र बोलना है। आपने बोलना है ओम कामाक्षाय नमः, आपने बोलना है ओम कामाक्षाय नमः, ये आपने लगातार 11 बार बोलना है। उसके बाद जो दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपने हर दिन, शुक्रवार के दिन से शुरू होकर ही, हर दिन सोने से पहले अपने बेडरूम में, जहां पर आप सोते हैं, वहां पर कपूर का धुआं करना है। कपूर के धुएं की जो महक होती है, जो एनर्जी होती है, जो वाइब्रेशन होती है, वो जब हमारी बॉडी तक पहुंचती है, तो हमारे अंदर की आकर्षण शक्ति, बुद्धि शक्ति, सौंदर्य शक्ति, ये तीनों बहुत तेजी से बढ़ना शुरू कर देती है। इसलिए कई बार ये भी कहा जाता है कि अपने घर में भी कपूर का धुआं दें, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके घर का वास्तु भी सही रहता है, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी चली जाती है और पॉजिटिव एनर्जी का वातावरण बना रहता है। उसी तरीके से ये आपके ऊपर भी काम करेगा। सोने से पहले कपूर का धुआं आपने अपने बेडरूम में जरूर देना है। इसके अलावा अपने हैंडबैग में, अपने पर्स में, लेडीज पर्स यूज करती हैं, जेंट्स हैंडबैग यूज करते हैं या वॉलेट यूज करते हैं, तो उसमें आपने हल्का सा गुलाब का इत्र लगा कर रखना है, क्योंकि हैंडबैग और पर्स एक ऐसी चीज है जो हमेशा हमारे साथ रहती है, हमारी बॉडी से कनेक्ट रहती है, तो उसमें आपने गुलाब का इत्र लगा कर रखना है। गुलाब का इत्र आप खुद पर भी जरूर लगाएं, कानों के पीछे, गर्दन में या कपड़े में गुलाब का इत्र लगाएंगे, एक तो आप हमेशा महकते रहेंगे और ये आपकी आकर्षण शक्ति को 3 गुना ज्यादा बढ़ा देगा। तो ये 3 खास उपाय हैं जो आकर्षण शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही प्रभावशाली उपाय माने गए हैं। इसको जरूर करके देखिएगा, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा।
इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।